तुम जल्दी जाकर आना, मैं तुम्हारा सब क्या है, मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं। ओ धन्यवाद आपने मुझे याद करना ही होगा। और वहाँ जाकर यहाँ पर आ ही गया और मैंने तो उससे प्यार। प्रणाम महादेव, प्रणाम आपको, इस महादेव आपको, इस महादेव। पंडित जी ये देखिए, वो नाग रानी को सारी शक्तियाँ मिल चुकी है और नाग लोग को संभालने के लिए वो तैयार हो चुका है। महादेव ने भी आकर उन्हें वरदान दिया और उसके लिए उसके नाग रानी बनने तक रोकना होगा। वो अब अपने इंतकाम पूरा करेगा, हमें उससे मिलना भी होगा। हाँ पंडिताइन मुझे पता है हमें उससे मिलना होगा, लेकिन अभी नहीं, समय वक्त आने पर। और उसको सब कुछ याद आ गया, उस जेल को भी सब कुछ याद आ चुका होगा, मुझे इस बात पर खुशी है। ये देखिए पंडित जी, ये देखिए, वो आ गया वापस। वो नागिनों की सबसे बड़ी दुश्मन, नागिनों की सबसे बड़ी दुश्मन वो मयूरिया वापस आ गया है। मयूर लोग और नाग लोग की दुश्मनी वर्षों से है, सालों से है, सदियों से है, वो वापस आ चुका है। पंडित जी हमें नागरानी को बताना होगा, यानी उन्हें बताना होगा। नहीं नहीं पंडिताइन, हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि उनसे बताना अभी ठीक नहीं रहता, क्योंकि उनसे अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी उनकी कहानी पलट चुका है। इसलिए उन्हें स्वयं दुश्मनों को और अपनों को ढूंढना होगा। प्यार क्या है, प्यार कौन है, प्यार क्या है और दुश्मन कौन है, मित्र कौन है, ये सब कुछ उन्हें खुद ढूंढना होगा। हम कोई मदद अब नहीं कर सकते। ठीक है पंडित जी, ठीक है, इस दुश्मन तो नागमणि और नागलोक के पीछे पड़ेगा। मुझे पता है मयूर लोग वर्षों से ही नागमणि के पीछे लगा है, वर्षों से, सदियों से। हाँ पंडिताइन, हाँ पंडिताइन, मुझे पता है कि वो मयूर लोग की मयूर रानी ही इन सब के पीछे है। मयूर रानी खत्म हो जाएगा तभी तो मयूर लोग ही खत्म हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, उस नागरानी को इस दुश्मन से मुकाबला करना भी होगा और उनसे लड़ना भी होगा, उन्हें हराना भी होगा, उन्हें खुद ये सब कुछ करना होगा। हम कोई मदद नहीं कर सकते, आप भी किसी को ये बात मत बताइए। ठीक है पंडित जी, ठीक है।
हमारे मयूर लोक की वासियों, हमने सदियों से इंतजार किया है इस पल का, और इस पल पर हमें वो नागमणि को चुराने का वक्त आ चुका है। हमने सदियों से इंतजार किया है। हमें पता है कि उस समय सारे नाग नागिन और चीलों के बीच की दुश्मनी के कारण नाग लोग और सब कुछ खत्म हुआ था, लेकिन वो वापस आ चुका है। हमें नागमणि उसकी याद होने से पहले हमें छुड़ाना होगा, और मयूर लोक पर, हम मयूर लोक से नहीं, अभी तो नाग लोग और पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। हमारे साथ हो आप सब। अच्छा ठीक है मेरी मयूर वासियों, हमें अब उसके लिए नागमणि को ढूंढने के लिए जाना होगा, और हमें सावधान रहना होगा क्योंकि नाग लोग पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मयूर लोग नाग लोग पर आक्रमण करने वाला है और नागमणि चुराने वाला है। नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे वहाँ मयूर रानी, हम सब चुप चुप के उन नागमणि को चुराएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगी। मैं बेवकूफ, हमें पता है किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि नागिनों की सबसे बड़ी दुश्मन है मयूर वासी हम लोग, क्योंकि वो लोग हमसे डरते हैं, इसलिए हम युद्ध करके ही लेकर आ सकता है, लेकिन वो शेषनाग हमें नागमणि उठाने नहीं देगा। मुझे पता है कि वो नागमणि शेषनाग की निगरानी पर है, इसलिए हम चुपचाप जाकर लेकर आना होगा, हम हमला नहीं कर सकते। ठीक है मयूर रानी, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपके साथ है मयूर रानी, अब हम आपके साथ है। तो आओ हम नाग लोग पर निकलते हैं, आओ। आज उसे यहाँ आने दो, मुझे जल्दी ही जल्दी जाना होगा दुकान पर। मुझे पता है वो आज भी आएगा दुकान पर, मुझे अच्छे से पता है। आओ श्रावणी, आओ, हमें दुकान पर जाना है, आओ श्रावणी। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, मुझे आज उस लड़की से मिलना होगा। मुझे पता है कि वो मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं उससे मारना नहीं चाहता। मैं उस मरगाड की कहने पर, उस असुरी शक्ति की कहने पर, मैं किसी की आग पर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि उस दिन उसको कोई गलती हुआ होगा, गलती से मुझे मारा होगा, लेकिन मुझे दोबारा जन्म मिल चुका है। मैं उसके साथ हूँगा और उसकी उसके हर एक दुख में उसे रक्षा भी करूंगा। मैं उसके साथ हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगा, और किसी को उससे सवाल भी नहीं, आक्रमण भी नहीं करने दूंगा। मैं उसका रक्षा करूंगा।